हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। उसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या समझा था, सबसे पहले हमने ये समझा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग टाइप्स देखे थे कि कौन से होते हैं, 1:∞, 0:0, 0 / 0, इन्फिनिटिव डिवाइड बाई इन्फिनिटिव, और ऐसे बहुत सारे जो फॉर्म बनते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसके बारे में देखा था। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि हमने 0/0 ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए क्या अप्रोच हो सकता है, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल जो हमने अप्लाई किया था, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा था, और उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो भी हमने समझ लिया था। तो 0/0 के बारे में तो आप कम्प्लीटली क्लियर हो ही चुके होंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी देख लिए और उसका बेसिक भी देख लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर 0/0 के अलावा भी बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो उसे कैसे डील करना है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ∞/∞, ठीक है। तो वो जो फॉर्म है ∞/∞, उसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ताकि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा इवेल्यूएट वाला, तो वो आसानी से उसका आंसर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 0/0 का एग्जांपल अच्छे से समझा है, उसका अप्रोच अच्छे से समझा है कि कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है और कैसे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 0/0 के बारे में अच्छे से देख ही लिया है, तो अब हम वही एल हॉस्पिटल रूल जो 0/0 के लिए था, उसी को ही एक्सटेंड करेंगे किसके लिए, ∞/∞ के लिए। जैसा अब वहाँ अप्रोच था कि ऊपर अगर 0/0 फॉर्म बनता है तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करना है, नीचे भी डिफ्रेंशिएशन करना है। कब तक करना है, जब तक के यहाँ पर नीचे वाली जो टर्म है वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। अगर ऊपर वाली टर्म ज़ीरो हो जाती तो कोई बात नहीं, ज़ीरो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तक ज़ीरो नीचे ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है कि अगर हम लिमिट रख दें तो वो 0/0 वाला फॉर्मेट ना बने। अगर इस तरीके से समझना है तो भी समझ, जब तक 0/0 वाला फॉर्म बनता रहेगा हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे ऊपर और नीचे, वैसा ही यहाँ पर भी है ∞/∞। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं ये वाला एग्जाम्पल ∞/∞ वाले फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट x टेंस टू 0 लिमिट log x डिवाइड बाई cot x। और हमने ये भी देख लिया कि अगर हम log यानी x की जगह 0 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा log 0 यानी कि ∞, और नीचे अगर cot x में x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा ∞, क्योंकि 1 cos x डिवाइड बाई sin x का मतलब होता है cot x, और अगर sin x यानी कि x की जगह 0 रखेंगे तो 1/sin x क्या होगा, 1/0 क्या होगा, ∞। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये ∞/∞ वाला फॉर्मेट है। अब कुछ नहीं करना है, जैसा हम 0/0 में करते थे वैसा ही करना है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना है। तो ऊपर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x, और नीचे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का क्या होगा, cot x का हो जाएगा यहाँ पर -cosec² x, ठीक है, cot x का यही डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट, बाकी तो काफ़ी आसान है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये चेक नहीं करता कि ये अब कौन सा फॉर्मेट बनना है, ∞/∞ वाला बनना है, 0/0 वाला बनना है, कौन सा बनना है, ठीक है। दोनों ही जो फॉर्मेट है ∞/∞ या तो कह दो 0/0, ये दोनों में सिंपल वही अप्रोच रहेगा एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि ऊपर भी डिफरेंशिएशन करना है, नीचे भी डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो cosec² x का मतलब होता है 1/sin² x, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1/sin² x, और माइनस तो लगेगा, और ये तो है 1/x। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम कर ले अगेन, तो ये sin² x वाली जो टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, sin² x वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, ठीक है, और माइनस का साइन तो रहेगा ही, सिंपल है, मैंने क्या किया, ये x को नीचे ले लिया और sin² x को ऊपर ले लिया, वही किया है, तो ये बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर अगेन ∞/∞ वाला फॉर्मेट मिलेगा, और अगेन हमें इसे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन
खामखा टफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, वो अप्रोच भी सही रहेगा कि इसको अलग से डिफ्रेंशिएशन करो, इसको अलग से डिफ्रेंशिएशन करो, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाएगा। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये काफ़ी टफ बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन आसान कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब कोई बात नहीं, अब अगर यहाँ पर हमारा एक्स टेंस टू जीरो इन्फिनिटी, ये तो रहेगा ही, ठीक है, लिमिट को तो भूलना ही नहीं है, ये यहाँ पर भी लिखना ही पड़ेगा हमें, लिमिट को तो कभी भी हमें भूलना ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करते तब तक हमें ये मेंशन करना ही पड़ेगा। अभी तक हमने लिमिट अप्लाई ही कहाँ की है। अब अगर सोचो कि अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की जगह अगर जीरो रखे, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई जीरो वाला फॉर्मेट हो गया। अब जैसा कि कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, अब अगर हमने इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी के अंदर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया और जीरो डिवाइड बाई जीरो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो अब हमें करना क्या है, सिंपल, ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन नीचे भी डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का यही डिफ्रेंशिएशन होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन हो जाएगा। अभी भी लिमिट हमने अप्लाई नहीं की है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन। अब ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, अब ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो ये जीरो डिवाइड बाई जीरो बनेगा, ना तो इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी का बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे आ गया वन, ठीक है। अब नीचे आ गया वन तो अब हमें लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर सिंपल है कि अगर हम साइन एक्स की जगह साइन जीरो रखेंगे तो आंसर जीरो होगा, कॉस एक्स की जगह कॉस जीरो रखेंगे तो क्या होगा, आंसर वन होगा, और यहाँ तो टू है, टू मल्टीप्लाई बाई जीरो मल्टीप्लाई बाई वन, और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा जीरो, ठीक। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा कि इन्फिनिटिव डिवाइड बाई इन्फिनिटिव फॉर्म कन्वर्ट हुआ जीरो डिवाइड बाई जीरो, और जीरो डिवाइड बाई जीरो के बाद हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर आ गया जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव डिवाइड बाई इन्फिनिटिव में भी कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, जो हमने जीरो डिवाइड बाई जीरो में सीखा है वही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन्फिनिटिव डिवाइड बाई इन्फिनिटिव को डील कैसे करना है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखते हैं अगला एग्जांपल, यहां पर जैसा कि आपको दिखाई हुआ है कि इवेल्युएट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लॉग साइन एक्स डिवाइड बाय लॉग टेन एक्स, काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। वैसे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये पूरा जो चैप्टर है काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर एक भी मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए, सारे मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं और पूरे चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट है वो काफ़ी आसान है। तो अभी तक हमने देखा जीरो डिवाइड बाय जीरो के बारे में, इन्फिनिटिव डिवाइड बाय इन्फिनिटिव का एग्जांपल किया था, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉर्मेट बनना है। ऑब्वियस बात है कि अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो साइन जीरो हो जाएगा और लॉग जीरो इन्फिनिटिव, यानी कि ऊपर तो इन्फिनिटिव हो रहा है, टेन एक्स टेन जीरो जीरो लॉग जीरो, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये अगेन जो है इन्फिनिटिव डिवाइड बाय इन्फिनिटिव वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन नीचे भी डिफ्रेंशिएशन, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स, है ना, तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो एक्स तो है नहीं साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और अगेन हमें साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरीके से हुआ, वन डिवाइड बाई साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स, सिंपल। नीचे का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट बनता है, उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारे पास टेन एक्स, अब टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स की जगह मैंने साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। यहाँ पर है मेरे पास सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स कैंसिल, यहाँ से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वन डिवाइड बाई कॉस एक्स बचा,
और यहाँ पर कुछ नहीं बचा सिर्फ वन बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा सिर्फ वन बचा, और यहाँ पर कॉस एक्स बचा। तो सिंप्लीफाई क्या हुआ, सिंप्लीफाई ये हुआ एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ आपको नीड लगे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तो वहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, आप खामखा ऊपर भी डिफरेंशिएशन करते रहो, नीचे भी डिफरेंशिएशन करते रहो और क्वेश्चन खाली खाली लंबा हो जाए, इससे अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास अब सिर्फ इतना ही बचा। अब आपको पता है अब ये तो ना तो जीरो डिवाइड बाई जीरो बनेगा क्योंकि नीचे तो वन हो गया ना, ये तो नीचे तो वन हो गया तो जीरो डिवाइड बाई जीरो तो बनेगा ही नहीं, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट ही अप्लाई कर दो। अब सबको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा, कॉस जीरो, उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस जीरो का होता है वन, ठीक है, वन का स्क्वायर भी वन ही होगा। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म हमारे पास आई है तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा वन, कॉस जीरो वन होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी वन ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आसानी के साथ हम डील कर सकते हैं इन्फिनिटिव डिवाइड बाई इन्फिनिटिव, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जीरो की जगह इन्फिनिटिव आ गया, बाकी फंडामेंटल जो जीरो डिवाइड बाई जीरो में किया था हमने वैसा ही रह गया। आई होप कि आपने ये दोनों एग्जाम्पल एन्जॉय किए होंगे, समझ में आ गया होगा, और इसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आगे आपको दिखे बुक्स में या और कहीं तो ट्राई कीजिए अपनी ओर से ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाए। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, अगली वीडियोज़ में देखेंगे कुछ नए एग्जाम्पल्स। थैंक यू।